त्रिकुट पर्वत में विराजमान मां शारदा की एक झलक पाने के लिए भक्त हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंच रहे हैं। मां शारदा की भक्ति और लोगों की श्रद्धा के सामने 50 डिग्री तापमान भी बेअसर साबित हो रहा है। पारा 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। मेहर मां शारदा धाम में भक्तों का आना अब भी लगा हुआ है। भक्ति और श्रद्धा का धाम मेहर, जहां दूर दराज इलाकों से लाखों लाख भक्त मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। कहते हैं कि भक्त की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। मेहर मां शारदा मंदिर की देख रेख का जिम्मा उठाने वाली मां शारदा प्रबंधन समिति इस भीषण गर्मी के दिनों दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या करती है, यह खुली आंखों से देख पाना असंभव है। आइए, हमने झांसी महाराष्ट्र से आए कुछ लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम झांसी से आ गए। क्या श्रद्धा थी माँ को लेकर? सिद्धा के बिटिया की लड़की हुई थी, इसका मुंडन कराने आए हम लोग। इतना तापमान था, ये नहीं लगा आप लोगों को? वो तो माँ की इच्छा थी बुलाने की, तो आना पड़ेगा, और उसके लिए आए हुए, दर्शन करना था तो इसलिए आए, और मुंडन भी कराना था इसका, इसे भी आए हुए। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग आए हुए कोई 15-20 लोग आए। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश रैकवार है, झांसी से आए। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं, पर महाराष्ट्र से यहाँ का तापमान कम है। अच्छा, महाराष्ट्र में ज्यादा है? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है इससे। आप माँ के दर्शन करने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं इतने तापमान में, इतनी गर्मी में? श्रद्धा है तो माता की श्रद्धा किससे चढ़ जाएंगे, उसमें धूप छाव कुछ का पता नहीं चलेगा। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 7-8 लोग हैं।